क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्सिमम करना है, जेड दिया हुआ है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। प्रतिबंध है 2x1 प्लस 3x2 लेस एंड इक्वल है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस एंड इक्वल 15, 2x2 प्लस 5x3 लेस एंड इक्वल 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जेड टू टाइप से दिया हुआ होगा, या तो मैक्सिमम का होगा या मिनिमम का। इस मेथड से अपन जेड मैक्सिमम ही सोल्व करते हैं। यदि मिनिमम दिया हुआ है तो उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए पहले साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यदि इस टाइप से हो, न्यूनतम जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, तो इसको मैक्सिमम कन्वर्ट करने के लिए जेड को जेड डैश में लिख देंगे और ये सभी प्लस किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। तो 3x1 को माइनस 3x1, माइनस 5x2, माइनस का 4x3 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए पहले ये जो इक्वेशन है इनमें x1, x2, x3 तक सॉल्व हो रखी है। तो जैसे इसमें x3 नहीं है तो इसमें x3 ऐड कर देंगे, इसमें x1 कर देंगे। कैसे करेंगे? तो पहले इस इक्वेशन को टू एक्स वन प्लस 3x2 है, तो x3 नहीं है तो यहाँ पे 0 × x3 लिख देंगे। ऐसे सेकेंड के अंदर x1, x2, x3 है तो x1, x2, x3 रखने देंगे। थर्ड के अंदर x1 नहीं है तो इसको 0 × x1 लिख देंगे, बाकी साइन एज इट इज रहेंगे। अब ये लेस एंड इक्वल का है तो मतलब ये वाला पोर्शन या तो इसके इक्वल है या फिर इससे छोटा है, तो इससे कम है, तो इसका मान इसके इक्वल आने के लिए इसमें कुछ वेरिएबल ऐड कर देते हैं। जैसे इसके अंदर x4 ऐड कर दिया, सेकंड के अंदर x5 कर दिया, थर्ड में x6 कर दिया। जितनी इक्वेशन होती हैं उतने वेरिएबल अपन ऐड कर देते हैं और लास्ट के अंदर आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे यदि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आइडेंटिटी इस टाइप की बनेगी। सेकंड दो ही इक्वेशन है तो इस प्रकार से आइडेंटिटी होगी, और यदि फोर इक्वेशन है तो इस प्रकार की आइडेंटिटी होगी। ये आइडेंटिटी देखते हैं लास्ट वाले एलिमेंट, पहले क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लास्ट में जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिटी में होनी चाहिए। इस इक्वेशन को x3 तक तो एज इट इज रखने दिया, इसके बाद में फर्स्ट में x4 ऐड कर दिया, सेकंड में x5, थर्ड में x6, और ये इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल ऐड करेंगे, बाकी दो को जीरो से ऐड करके लिख देंगे, जीरो से मल्टीपल करके लिख दिया, जीरो से मल्टीपल करके लिख दिया। जितने भी वेरिएबल होते हैं वो हमेशा या तो जीरो के इक्वल होंगे या जीरो से ग्रेटर होंगे। इसमें तीन ही थे, x1, x2, x3, तो x1, x2, x3 के लिए लिख दिया। इसमें सिक्स हो गए तो x1, x2, x3, x4, x5, x6 ये सब क्या होंगे, ग्रेटर एंड इक्वल होंगे जीरो के। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। अब x3 तक तो जेड के मान है, x4, x5, x6 अपन ने लिखे हैं मर्जी से, तो जीरो से मल्टीपल करके लिख देंगे जेड की इक्वेशन। ए में वो एलिमेंट, ए जो मैट्रिक्स है उसमें वो ही लेंगे जो x1, x2, x3, x5, x6 के कोफिशियंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशियंट 2 है तो 2 लिख दिया, सेकंड में 3 है तो 3 लिख दिया, थर्ड में 0 है तो 0 लिख दिया। ऐसे x2 के कोफिशियंट, x3 के, x4 के, x5, x6 के, जितने कॉलम होंगे उतने ही अल्फा रिप्रेजेंट कर देंगे, α1, α2, α3, α4, α5, α6। ये α1 को रिप्रेजेंट करता है, ये α2 को, α3, α4। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है ये कॉलम किसको रेशियो करेगा कि जिस पे आइडेंटिटी बन रही है। तो लास्ट 3 के अंदर आइडेंटिटी बन रही है तो ये कौन से कॉलम में आएंगे, 4, 5, 6, तो यहाँ पे लिखते हैं α4, α5, α6, और ये इसका बेस होगा। अब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं cj,
सी जे वाले इस कॉलम के अंदर वो मान लेंगे जो जेड के जेड की इक्वेशन में एक्स वन एक्स टू एक्स सिक्स के जो कोफिशियंट है वो लिख देंगे। तो एक्स वन का कोफिशियंट 3, एक्स टू का 5, एक्स थ्री का 4, ऐसे ही आगे लिख देंगे। यहाँ पे सी भी है, बी, एक्स बी और वी। तो ये जो सी बी एक्स बी है, एक्स बी के अंदर अपन क्या लेंगे, जिसकी आइडेंटिटी बन रही है। जैसे अल्फ़ा 4 है तो एक्स 4 लिख देंगे, अल्फ़ा 5 है तो एक्स 5, अल्फ़ा 6 है तो एक्स 6, ये अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6, ये आइडेंटिटी आ गई। सी बी के अंदर वो मान लेंगे जो जेड की इक्वेशन में एक्स 4, एक्स 5, एक्स 6 के कोफिशियंट हैं। तो एक्स 4 के कोफिशियंट 0, 5 और 6 तीनों के ही 0 हैं, तो यहाँ पे 0 आ गया। बी ये बेस होगा इस जेड की इक्वेशन में, ये जो कॉलम है एट 15, 10 इक्वल के राइट साइड वाले, इसको एज इट इज लिख देंगे एट 15, 10। जितने कॉलम होंगे उतने ही वाई के मान होंगे, वाई 1, वाई 2, वाई 3, वाई 4, वाई 5, वाई 6। इसके नीचे ये जो एलिमेंट है ये ए वाले एलिमेंट एज इट इज इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। अब लास्ट वाला ये जो कॉलम है ये होता है जेड जे माइनस सी जे। तो ये जो सी जे है ये सी जे के मान है, बात जेड जे के मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे। सी बी वाले कॉलम को बी वाले कॉलम से मल्टीपल करके तीनों का ऐड करके जो मान आएगा वो कहलाता है जेड जे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे तीनों में जीरो है, तो जीरो को जीरो किसी से भी मल्टीपल करें जीरो आएगा, और लास्ट में इन तीनों का टोटल भी क्या आएगा, जीरो। अब इसको इस जीरो से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3, माइनस 5, माइनस 4, ऐसे ही सभी वैल्यू आ जाएंगे। अब इस जो रो है इसके अंदर सभी एलिमेंट या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर जीरो होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस 3, माइनस 5, माइनस का 4। अब इसमें वो एक तो लेंगे अपन, एक एलिमेंट तो इस टेबल के अंदर लेंगे और एक इसे बाहर करेंगे। तो अंदर तो वो लेंगे जिसमें माइनस का सबसे बड़ा मान हो, तो यहाँ माइनस 5 सबसे मैक्सिमम है, तो ये तो इसके अंदर आएगा, और बाहर कौन सा जाएगा वो डिसाइड करेगा इनके इनके और इनके रेशियो। तो यहाँ पे एट है, ये 3 है, एट और 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 और 2 में 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 10 में 2 का करेंगे तो 5 पॉइंट। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है, 8 में 3 का डिवाइड करने पर, तो जो सबसे मिनिमम है उसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, निम्नतम एक्स बी आई वाई आई टू, वाई आई टू ग्रेटर एंड इक्वल जीरो। यहाँ पे मिनिमम लेंगे अपन 8/3, वो अभी जो डिवाइड किया था, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है 8/3। यहाँ पे ये जो 3 है इसका मान 1 आना चाहिए, 1 कैसे आएगा जब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार यदि जो भी ब्रेकेट अपन लेंगे वहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो उस ब्रेकेट का जो मान है उसी के अंदर उसका डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरी रो के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8/3, 2/3, इसी प्रकार सभी एलिमेंट आएंगे। ये कब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये सभी प्लस होते तो यहीं पे अपना आंसर आ जाता। तो अब इसके अंदर अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगी तो वही यहाँ पे 1 लाना है, तो 3 का डिवाइड किया, बाकी सब के अंदर जो भी एलिमेंट थे उस सब में 3 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके अंदर सभी में 3 का डिवाइड करने पर ये आ गया। सी जे के मान वही होंगे जो इस फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं, 3, 5, 4, 0। यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा था, 8/3, तो ये तो इसके अंदर आएगा। अब 3 के संगत कौन सा है, अल्फा 4, तो अल्फा 4 मतलब y4, तो y4 क्या करेगा, इसमें से निकल जाएगा, एक आएगा तो दूसरा क्या करेगा, उसमें से
निकल जाएगा, तो अल्फा फोर की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा टू। तो यहाँ पे अल्फा फोर की जगह अल्फा टू लिख दिया, बाकी अल्फा फाइव अल्फा सिक्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ अल्फा टू मतलब एक्स टू, तो जेड की जो इक्वेशन है उसमें एक्स टू का कोफिशियंट फाइव है, तो यहाँ पे फाइव लिख देंगे, यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा। ये फर्स्ट रो निकाल लिया अपन ने। अब बात करें सेकंड और थर्ड रो की, तो सेकंड और थर्ड रो की जो प्रोसेस है वो कैसे करेंगे। तो सेकंड रो के लिए पहले तो यहाँ पे देखिए, सेकंड रो में इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, जिस को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे वो के एलिमेंट होता है, मुख्य अवयव। तो ये तो फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो के लिए इसके जस्ट नीचे सेकंड रो में टू है, इस टू को किससे मल्टीपल करेंगे, जैसे इसका मान निकाल रहे हैं तो जो सेकंड टेबल बनेगी उसमें इस टू को इस एट बाई थ्री से मल्टीपल करेंगे। और यहाँ पर ये पहले से क्या है, फिफ्टीन, फिफ्टीन में से इस टू को एट बाई थ्री से मल्टीपल करने पे जो मान आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो इस टू को एट बाई थ्री से मल्टीपल करेंगे ऐसे, ये जो फर्स्ट रो है इसको पूरा एज इट इज लिख दिया अपन ने, इस पूरी को टू से मल्टीपल कर देंगे, इसका जो मान आएगा उस मान को यहाँ पे ये जो पहले वाली टेबल में जो मान है उसमें से माइनस करके लिख देंगे। तो 15 माइनस कर दिया, यहाँ पे 3 था उसमें तो 3 में से माइनस कर दिया, ये मान आएंगे ये अपन इस सेकंड टेबल में लिख देंगे। ऐसे ही थर्ड वाली रो के लिए, इस एलिमेंट के नीचे थर्ड वाली रो में कौन सा एलिमेंट है, टू है, वही टू को मल्टीपल करेंगे फर्स्ट वाली रो से ही, जिसका मान अपन ने डिवाइड करके निकाला है। इस टू को एट बाई थ्री से मल्टीपल करेंगे, जो मान आएगा उस मान को यहाँ पे जो थर्ड में है जैसे टेन है तो टेन में से माइनस करके लिख देंगे। ऐसे ही सेकेंड, ये इसका मान निकालेंगे तो जीरो में से माइनस करके लिखेंगे, ऐसे ही जो एलिमेंट उसमें से माइनस करके ये मान आ जाएंगे ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वही जेड जे माइनस सी जे, तो ये सी जे के मान है, जेड जे के मान निकालने के लिए इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तीनों के मान को जोड़ के और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये दो तो जीरो है तो इनको तो मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। फाइव को एट बाई थ्री से करेंगे तो ये मान आ जाएगा अपना 40/3, और इस 40/3 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो मान आ जाएगा अपने पास में 1/3। ऐसे ही इसको इससे मल्टीपल करके और इस 5 को माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करके 4 से माइनस करेंगे, तो ये जेड जे माइनस सी जे के मान आ जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस का 4 आ रहा है जो कि नेगेटिव है। इसी प्रोसेस को तब तक दोहराएंगे जब तक ये नीचे वाले सारे क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव नहीं आ जाए। फॉर एग्जांपल यदि ये पॉजिटिव होता तो ये अपने फाइनली मान आ जाते एक्स टू एक्स फाइव और एक्स सिक्स। तो ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि इसमें पॉजिटिव नहीं आ जाए। वापस से वही टेबल बनाएंगे, इसमें जैसे माइनस फोर है तो माइनस फोर में ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जीरो का इसमें डिवाइड, इसमें जीरो का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा। 29/3 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4/3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो इन तीनों में मिनिमम ये वाला एलिमेंट देगा, तो इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल के अंदर इस पूरी इक्वेशन में 5 का डिवाइड कर देंगे, इसके एलिमेंट निकालने के लिए वही 4 को इसके जो थर्ड रो आएगी उसमें मल्टीपल करके और माइनस करके निकालेंगे जैसे इस वाले टेबल में किया है।